बच्चा। हाँ बाबा। आओ, तुम मेरा काम कर दी। हाँ। अब बाबा तुम्हारा काम करेगा। कर दीजिए ना बाबा। तो क्या करे, ढूंढते ढूंढते तो यहाँ तक आ गए। सुबह से ना एक गिलास पानी पिए है ना कुछ खाए हैं, हम क्या करे। किसके साथ अब कहाँ निकल गया, हाँ एक सुबह से अब शाम पड़ने को आ गया, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। आप लोग भी तो ढूंढिए रहे हैं, हम भी ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, जहाँ तहाँ फोन खिराए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई आता पता नहीं। हम क्या करें, नहीं करें, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे रखिए, खोजते हैं, कहाँ चला गया ये बच्चा, सो समझ में नहीं आता है। बच्चा थोड़ी है, हाँ 17 साल 18 साल का हो गया, किसी के साथ कहीं बाहर गया है, निकल गया है कि कहाँ है, नहीं है। घर पे तो आना चाहिए ना, घर का लोग कितना परेशान है उसको क्या पता चलेगा, गार्जियन को ना पता चलता है। हैं, हम तो फुआ है, हम क्या कह सकते हैं। सबसे बड़का बकाया हुआ हमारा भाई भौजाई के है, देखते हैं आगे जाके। आते ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। अरे बच्चा, अरे कहाँ जा रहे, किसको ढूंढ रही हो। रास्ता सीधा है बाबा, हम अपने परेशान है, जाइए ना। किस लिए, किस लिए आप ही को बता दे। जा, हम लोग का देख वेशभूषा से नहीं लग रहा है, साधु संत है, महात्मा है, ज्ञानी है। तो जाइए ना गांव में, घर घर मांगिएगा आशीर्वाद। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ, हम रास्ता नहीं भटके हैं, हम तो सही रास्ता पर जा रहे हैं, लेकिन तुम रास्ता भटक गई हो, तुम किसको ढूंढ रही हो ये ना बताओ। बहुत मन्नत के बाद जो है एक मेरा भतीजा हुआ था, समझे। अच्छा, गंगा जमुना के माना हुआ। हाँ हाँ, एक ही हमारा भाई, एक ही को भौजाई, समझे। 15 दिन से हम भी मायके में आए हुए हैं, बच्चा सबका छुट्टी है तो आए हुए हैं। ये क्या किया पता नहीं, आपको दोस्त यार के साथ है, दूरे पर रहता था, अंगने में रहता था, घर से बाहर नहीं जाता था, दूरा दरवाजा से। आई सुबह से 4 बजे से गायब है, समझे। आ घर में इतना परेशान है, लोग इतना परेशान है, हम तो देखते हैं पैर में चप्पलों नहीं है, जहाँ तहाँ बउआ रहे उसी को खोज रहे हैं। अब बताइए, यही बात घुमा फिरा के कह रहा है, एक ही बेर में बोलता ना खो गया है। हाँ हाँ, बच्चा खो गया है। अरे खो गया है तो कौन खो गया है, सो ना समझिएगा बाबा, सीधा कहेंगे खो गया है, पूछिए बाबा से। अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं। इतना घनो घंघोर जंगल है, सुनसान है, यहाँ पर शेर होगा, हाथी होगा, गीदर होगा, भालू होगा, कुछ भी कहीं उसको खा गया होगा। बाबा ऐसा काहे बोलते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, बाबा होकर इस तरह का बात करते हैं, यही नहीं बाबा है तो कम से कम जांच परख के बताते कि है कि नहीं है, कहाँ है, किसके साथ है, सही सलामत है कि नहीं, बताते ना। एकदम हम जांच परख के बताएंगे। चेला, हाँ बाबा, इसको पकड़ो। हाँ हाँ, इसको पकड़ो, हमको ध्यान दे करके देखने दो। हाँ देखिए, जांच करने दो कि कहाँ इसका भतीजा है और क्या कर रहा है, कहाँ है, नहीं है, आ क्यों गुम हो गया है, देखिए। एक ही भतीजा है, हम क्या करे नहीं करे समझ में नहीं आता। हम लोग आप ही लोग के सेवा में के लिए बैठे हुए हैं, टेंशन मत लीजिए बाबा, ध्यान में लग गया। अरे वाह, क्या हुआ बाबा। साफ साफ दिख रहा है इस फूल में साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है। तुम्हारा भतीजा जो है ना, हाँ। इस दुनिया में नहीं है बाबा। बाबा इस तरह का बात मत कीजिए, एक ही को मेरा भतीजा है, एक भाई से एक ही को भतीजा हुआ, इस तरह का बात मत कीजिए, एक बार और जांच के देखिए। हम देख रहे हैं, अब क्या जांच करके देखेंगे, पूरा पता चल गया कि इस दुनिया में नहीं है बाबा। नहीं है, रो रही है, अपने हिसाब से देखिए। लेकिन बाबा चाहेगा तो उसको फिर वापस कर देगा, ला देगा। हाँ हाँ, अपनी तंत्र मंत्र विद्या शक्ति से। सही कह रहा है, ऐसा हो जाएगा बाबा, एकदम हो जाएगा। तो आपको जो चाहिए हम देंगे, आप कृपया करके ऐसा कीजिए ना, जो मेरा भतीजा चले आए। तो पहले तुम मेरा मन पूरा करोगे, मेरा इच्छा पूरा करोगी, तब ना तुम्हारा इच्छा पूरा करेंगे। बाबा आप जो बोलिएगा, जैसा बोलिएगा, हम करने के लिए तैयार है। का ये गो भाई का, मेरा एक गो भतीजा है। तो तैयार हो। हाँ। तो चलो मेरे साथ झाड़ी में। झाड़ी में। हाँ बाबा, उधरे तंत्र मंत्र विद्या अपनाइएगा। तंत्र मंत्र विद्या तो यहाँ मारेंगे। हाँ। पकड़ो पकड़ो, यही कह रहे थे, ये जो हमको दीजिए। बोले, हाँ। कि तुमको जो तुम्हारा भतीजा लौटा देंगे, हाँ। तो उसके बदले में बाबा को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अब जो कहिएगा सो देंगे बाबा। तो वही ना, हम तुमको लेने के लिए साइड में ले चलते हैं, झाड़ी में। ठीक है बाबा, चलिए तैयार। हाँ चलिए। इधर इधर चलिए।
चेला लगता है पहले से तैयार है आ दुखियारी है ना, भतीजा को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। आप तो झूठ बोल दिया है कि दुनिया में नहीं है। अब देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो झूठ तो बोलना पड़ता है ना, झूठ नहीं बोलते तो उसको विश्वास कैसे होता बाबा, और मेरे प्रति कैसे बाबा, जल्दी कीजिए ना। अच्छा अच्छा तुम घबराओ नहीं, देखिए बाबा पहले जाइए समाधान को पूरा कीजिए। सुनिए ना, ज्यादा लेट नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये चोरी चाचर में कोई पकड़ के दबोच देगा तो सारा काम नाश हो जाएगा, इसलिए जैसे जाते हैं उसी तरह जल्दी आ जाइएगा। बच्चा हाँ बाबा। आओ, तुम मेरा काम कर दी। हाँ अब बाबा तुम्हारा काम करेगा। कर दीजिए ना बाबा। करेंगे क्या, समझो हो गया। तुम्हारा यहाँ पर तुम मेरा काम कर दी। हाँ तुम्हारा भतीजा मेरा चेला के पास होगा। चेला के पास? हाँ। नहीं बाबा ऐसा कैसे हो सकता है। देखो जब तुम मेरा काम कर दिए तो तुम्हारा काम ही उसी वक्त हम कर दिए, अपना तंत्र मंत्र से उसको बुला लिए। चलिए तो बाबा चलो हम दिखाते हैं। चलिए। कहाँ चले गए थे तुम? घूमने। घूमने के लिए जाते हो? तुम्हारा दीदी यहाँ परेशान हो रहा है, रो रहा है, तुमको कोई टेंशन नहीं है? पूछ कर गए। चलिए पूछ कर गए थे तो कैसे रो रहा है ये लोग बताइए। देखिए बाबा आ गए। आओ देखो, देखो आ गया ना? यही मेरा भतीजा, यही मेरा भतीजा, कहाँ चला गया था तू? यही मेरा भतीजा, घूमने जाता था, बता के जाना चाहिए ना। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखी बाबा का चमत्कार। थोड़ा देर के लिए तो हम भटक गए थे, आप जो बोले थे कि खत्म हो गया तुम्हारा भतीजा। यही बाबा का चमत्कार है, बरसों तपस्या करने के बाद ये तंत्र मंत्र बाबा को मिलता है। देखो जादू पर तो तुम्हारा भतीजा को मंगा दिया। इस चीज को तो आज हम मान गए, लेकिन तभी से पूछ रहे हैं तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है। दिमाग थोड़ा कम होगा। हाँ। लेकिन भगवान फुर्सत से बनाया, लु 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 लु, फुर्सत से बनाया। हाँ, वो तो है। चलो चलो घर चलो, घर चलो। ठीक है जाओ, ठीक है बाबा, आराम से ले जाइए। जाओ जाओ जाओ, चलो ले जाइए आराम से बाबा। अरे चेला बाबा, उसका भतीजा कैसे कैसे आ गया यहाँ पे? अरे वो तो जा रहा था, तुम पकड़ के दबोच के रखे थे। अरे इसीलिए आपको जान बच गया। शाबाश चेला शाबाश, पहली बार तुम अच्छा काम किया है, नहीं तो उसका भतीजा नहीं मिलता तो हमको तो बहुत मार मारता, क्योंकि उसने हमको भोग लगाने के लिए दिया और उसका काम नहीं करते तो हमको बहुत मार मारता। पहली बार तुम अच्छा काम किया। हमको भी भोग लगाने के लिए जाने देते ना। देखो चेला, तुम्हारे लिए भी रखे हुए हैं, कुटिया में जो कल्हे से नेंगरी बैठी हुई है कारनी, उसको तुम भोग लगा लेना। ओ, आप खाइए सीधा साधा, हम खाइए लांगर लूर ना। आप बहुत होशियार है। अरे चेला समय पर जरलो रोटी मिल जाता है ना, वो भी अच्छा ही रहता है। अच्छा अच्छा कि हम छोड़ देते उस बालक को तो अच्छा रहता। अरे टेर हो चाहे सोझ हो, सबका सामान तो एक रंग रहता है ना। चलिए चलिए, जानते हैं खूब आपको, चलो बहुत जानते हैं हम। चलिए।